वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशन कल कंडक्ट हुआ है, यानी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट में। तो चारों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का मैं एनालिसिस इस वीडियो सेशंस में देने वाला हूँ। लगभग 70 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। वैसे चार शिफ्ट को मिलाकर 80 क्वेश्चंस होता है। प्रत्येक शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चंस पूछा गया था जीके जीएस का। तो 80 में से मैं आपको 70 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जीके जीएस का, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। और देखिए, मैं अलग अलग शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ, तो आप लोग एनालिसिस नहीं देखे हैं जो कहने के, तो आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग शिफ्टों का एनालिसिस। ठीक है, अब मैं आपको एक साथ कंबाइंड करके ये एनालिसिस देने वाला हूँ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एक साथ मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम का आप लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके, एसएस डिफेंस एकेडमी मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस तरह शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? जो प्रारंभ में हमारा संविधान था उस टाइम 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। अगर बात करें, अगर भाग पूछा जाता तो 22 भाग था प्रारंभ में, लेकिन अभी वर्तमान में 470 के करीब में अनुच्छेद हो गया है। ठीक है, और 12 अनुसूची और 25 भाग हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो ये कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समकालीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया गया है? तो सांची के स्तूप का चित्र अंकित किया गया है 200 रुपए के नोट के पीछे। ये सांची के स्तूप एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अब और भी नोट के पीछे देख लेते हैं कौन कौन सा चित्र अंकित किया गया है। 2000 पे मंगलयान दर्शाया गया है, 500 पर रेड फोर्ट, 100 रुपया पर रानी की बाव, 50 रुपया पर हम्पी के रथ और 20 रुपया पर एलोरा की गुफा। तो ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अगस्त 2022 वाला पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, नियमित ना पूछ के केवल पूछता शुरुआत कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो दोनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये मुंबई में आयोजित होता है, 1999 से ये आयोजित होते आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो है आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो यह है कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीला ग्रह कौन सा है? तो वीनस प्लेनेट जो है ये पीला ग्रह कहा जाता है। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो कर्नाटक रहा है। और बात करें अभी लेटेस्ट में 2021-22 का विजेता कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। ये पुराना करंट पूछ लिया गया था, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस, मार्केशिया, प्यूनेरिया, रिकेशिया किसके उदाहरण हैं? तो ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी देश को समर्पित किए हैं 2 सितंबर 2022 का, ये करंट्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालन के दौरान। आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। तो ये देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में 20 में से 16 मुझे रियल क्वेश्चंस मिला है। अब सेकंड शिफ्ट के देख लीजिए, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो 21 पॉइंट का गेम होता है बैडमिंटन। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर
किस राज्य का था, तो केरल राज्य का है। खाने की शुरुआत यानी मुख किस में खुलता है, तो मुख गुहा से शुरुआत होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, 1863 में ये शामिल हुए थे। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आता है, फाल्गुन महीने में आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के अध्यक्ष कौन है, तो बिनोय विश्वम है। 50 रुपये का नया नोट किस कलर का है, देखिए पहले तो चित्र अंकित पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया है कि कौन से कलर का है 50 रुपये का नोट, तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है 50 रुपये का नोट। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं, तो बिप्लव कुमार देव नियुक्त हुए हैं। ओलंपिक्स में भारत का प्रथम ध्वजवाहक थे, ये देखिए जब प्रथम ओलंपिक्स थी भारत जब भाग लिया था उस टाइम पूर्णिमा बनर्जी थे 1920 में ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक। पांचवा और छठा पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर को क्या कहते हैं, तो रोलिंग प्लान कहते हैं। तो ये देखिए सेकेंड शिफ्ट में 20 में से 12 रियल क्वेश्चन मिला है, देखिए अब देखिए थर्ड शिफ्ट में मुझे 20 में से 20 क्वेश्चन मिल चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता के अंतर से संबंधित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 324 में वर्णित है भारत निर्वाचन आयोग। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, तो 10 अप्रैल 1875 को किए थे। 1980 में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट था, तो 38.6% था। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला डैश है, तो देखिए जो कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला डैश है, तो इसका आंसर था अंबुबाची मेला जो जून में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, तो इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। सिकंदर ईसानी की उपाधि किसने धारण की है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया है सिकंदर ईसानी की उपाधि। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप जिसे अकाडमी रत्न भी कहा जाता है 2018 में भरतनाट्यम में किसे ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार के कल्याण सुंदरम पिलाई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है, तो पाउडर सफ़ेद रंग के पाउडर बनता है। और एक और ये क्वेश्चन बनता है पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाने से क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है, तो देखिए कोरल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, समुद्री एनीमोन है, तो इसमें से कोई ऑप्शन में होगा। मासिक धर्म पे मनाए जाने वाले पर्व कौन सा होता है, तो रजू पर्व होता है, ये उड़ीसा में 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था, तो ये बॉम्बे से हुआ था 1923 में। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया, तो मंत्री हरदीप सिंह ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तो गोवा में मनाया गया है। अब एक GDP से रिलेटेड क्वेश्चन था GDP किस पर अंकलित किया जाता है, तो इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं मालूम चला। अब देखिए लास्ट शिफ्ट का देखिए फोर्थ शिफ्ट का 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, तो 1983 में आप सभी जानते हैं जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, इसमें भारत जीता था और इसमें जो क्रिस श्रीकांत थे उन्होंने ज़्यादा रन बनाए थे, वैसे 50 भी नहीं थे लेकिन फिर भी इनका ज़्यादा था, 38 रन बनाए थे ये। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप मेजबानी किसने किया है, दोहा कतर ने किया है। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी,
तो ये था 72.7%। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आयरलैंड से लिया गया है। मोहनी अट्टम किस राज्य में किया जाता है और उसकी जननी कौन है? तो मोहनी अट्टम जो है नृत्य, ये केरल से संबंधित है। और बात करें जननी कौन है, तो जननी है कल्याणकुट्टी अम्मा, इसका आंसर हो जाएगा। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 154 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 का अन्य नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ बिटर ऑयल है। निम्न में से कौन सा फसल रेशेदार नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस पे कौन सा था रेशेदार नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब बात करते हैं कौन कौन फसल रेशेदार होता है। तो कपास, जूट, पटसन, केनाफ, ये सभी रेशेदार फसल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर तीन होना चाहिए। तीन तलाक कब हटाया गया? तो 22 अगस्त 2017 को हटाया गया तीन तलाक। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 7000 वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1977 में शुरू किया गया है ये कार्यक्रम, काम के बदले भोजन। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री करता है। इसके अलावा अदर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, बहुत सारा ऐसा है वहाँ पर चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। टेक कॉन क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2022 को किए हैं ये टेक कॉन क्लेव का उद्घाटन। तो देखिए इस तरह मैं चारों शिफ्ट का आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस दे चुका हूँ, ठीक है। आप इसका PDF आप डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद।